नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत कई मकान के काम शुरू है, लेकिन इन कामों के लिए रेत की भी बड़े पैमाने पर रेत माफियों के माध्यम से रेत तस्करी की जा रही है। मोरगांव अर्जुनी तहसीलदार लॉकडाउन की आड़ में फोन बंद करके लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। इसी वजह से रेत माफिया चोरी छिपे रेत तस्करी कर रहे हैं और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सरकार का राजस्व डूब रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में धारा 188 लगाई गई है और रेत माफिया रेत की तस्करी बेखौफ कर रहे हैं। तहसील विभाग के अधिकारी लॉकडाउन के चलते रेत माफिया पर नजर नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से रेत माफिया बड़े पैमाने पर अवैध रेत तस्करी कर रहे हैं। मोरगांव अर्जुनी के चारों ओर रेत तस्कर रेत बेखौफ रेत ट्रैक्टर में सप्लाई कर रहे हैं। लॉकडाउन से परेशान है तो दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी कर्मचारी रेत माफिया मालामाल है। पटवारी और नायब तहसीलदार रोज इन जगहों से गुजरते हैं, लेकिन रेत देखकर भी लोगों को पूछने की भी जरूरत नहीं समझते कि 31 दिसंबर 2019 से रेत घाट पूरी तरह से बंद होने के बावजूद रेत आखिर लाइक कहां से जा रही है। अब तो ये लगने लगा है कि अंधेर नगरी चौपट राज की तरह मोरगांव अर्जुनी तहसील का विभाग चल रहा है। ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।